नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर। मैं हूं प्रभात। बीजेपी का 400 पार लाने का नारा फेल साबित हो गया। अभी लगभग 12 बज चुके हैं और 12 बजने के तक जो रुझान आए हुए हैं लोकसभा चुनाव रिजल्ट 2024 के, उन रुझानों के अनुसार इंडिया गठबंधन के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि 200 पार का आंकड़ा इंडिया गठबंधन ने पार कर लिया है। वहीं बीजेपी का 400 पार का नारा तो धड़ाम हुआ ही, साथ ही साथ 300 पार का नारा भी चकनाचूर हो गया है। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश जहां से 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां से बीजेपी की करारी हार हो रही है तमाम सीटों पर। और उसमें पूर्वांचल हो या पश्चिम का इलाका हो, सब जगहों से बीजेपी को झटका ही झटका मिल रहा है। 40 सीटों के आसपास सपा आगे चल रही है रुझानों के अनुसार। अगर माने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टोटल 543 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 234 सीटों से रुझानों में आगे दिखाई दिया जा रहा है। लेकिन 234 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी अभी रुझानों में आगे दिखाई दे रही है, इसका मतलब है 272 जो बहुमत का आंकड़ा है उससे बहुत पीछे है। और एनडीए को अगर मिला दिया जाए तो एनडीए का आंकड़ा भी 290 के आसपास पहुंच रहा है, यानी कि बहुमत से 10-15-20 आगे। लेकिन आगे आने वाले 3-4 घंटों में पूरी स्थिति अगर क्लियर होगी तो हो सकता है बहुमत का आंकड़ा भी एनडीए छू ना पाए। और राहुल गांधी ने 295 सीटों को लेकर के जो आंकड़े की बात कही थी आने की इंडिया गठबंधन के, वो हो सकता है सच साबित हो जाए। हालांकि रुझान है, रुझानों में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं उस आधार पर जो कुछ बीजेपी के लिए हताशाजनक है, निराशाजनक है, वो उत्तर प्रदेश से खबर है। यहाँ तक कि बंगाल से भी खबर जो आ रही है वो बीजेपी के लिए काफ़ी निराशाजनक है। बंगाल में जिस तरीके से कांग्रेस ने गठबंधन टीएमसी के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ा, गठबंधन नहीं किया, अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन गठबंधन में टीएमसी साथ है, उसमें टीएमसी को 50% से अधिक सीटों पर रुझानों में आगे दिखना, ये बंगाल के लिए काफ़ी बड़ी बात है। जिस तरीके से बीजेपी यह चाह रही थी पिछले कुछ दिनों से कि बंगाल और उत्तर प्रदेश को हथिया ले, और एग्जिट पोल में यही कहा जा रहा था कि बंगाल और उत्तर प्रदेश तो बीजेपी का हो चुका है। 62 सीटों में जिस तरीके से बीजेपी को बढ़त मिली थी पिछली बार की 2019 के लोकसभा चुनाव में, और या फिर यूं कहें कि पिछली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से जिस तरीके से बीजेपी के लिए खुशियों की लहर थी कि पूरे के पूरे सीटों पर बहुमत, पिछली बार भी देखें तो बसपा और सपा का गठबंधन काम नहीं आया था। 10 सीटें बसपा को, 5 सीटें सपा को मिली थी। और इससे पिछली बार जब जिस तरीके से चुनाव हुए थे उसमें भी जिस तरीके से बीजेपी को काफ़ी फायदा मिला था उत्तर प्रदेश से, उन्हीं सीटों पर अब जिस तरीके से आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ देखें कि दूसरे राज्यों में, तो यहाँ तक कि अभी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में अमेठी से स्मृति ईरानी काफ़ी पीछे चल रही हैं। कितनी पीछे चल रही हैं उत्तर प्रदेश से, इस बारे में बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं ओवरऑल क्या मामला क्या चल रहा है। आरजेडी की बात करें तो बिहार में 5 सीटों पर आगे चल रही है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार। कांग्रेस 99 का आंकड़े पर है, 100 से एक कम, और समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर उत्तर प्रदेश आगे चल रही है। 35 सीटों मतलब 80 में से 35 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। वहीं पर बिहार में बात करें तो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की जो पोजीशन है 14 सीटों पर रुझानों में आगे चल रहे हैं। लेकिन हालांकि नीतीश कुमार चूंकि दल बदलू नेता के रूप में जाने जाने लगे हैं, बीजेपी की सरकार बनते ही बीजेपी में शामिल होना, कांग्रेस की सरकार दिखाई देते ही कांग्रेस में शामिल होना, इस तरीके से उनके हिस्ट्री रहे हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफ़ी एनडीए में शामिल होना काफ़ी अच्छी खबर नहीं हो सकती है। शिवसेना की बात करें तो शिवसेना 5 सीटों पर आगे चल रही है, और CPIM जो 5 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है, और कम्युनिस्ट पार्टी CPIML 2 सीटों पर आगे चल रही है। जनता दल सेकुलर जो है 2 सीटों पर आगे चल रही है। BJD 2 सीटों पर, राष्ट्रीय लोक दल 2 सीटों पर। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के साथ जो RLD के जयंत चौधरी का गठबंधन हुआ, उससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी का नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ है।
आरएलडी केवल 2 सीटों पर आगे चल रही है और जबकि उससे कुछ ज़्यादा फायदा आरएलडी के गठबंधन से बीजेपी को नहीं होता हुआ दिख रहा है। एनसीपी की देखें तो 1 सीटों पर आगे चल रही है, शिरोमणि अकाली दल 1 सीटों पर आगे चल रही है, भारत आदिवासी पार्टी 1 सीटों पर आगे चल रही है और वहीं पर आज़ाद समाज पार्टी 1 सीटों पर आगे चल रही है। चंद्रशेखर आज़ाद बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं ऐसा कहा जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस जो है AIMIM के उम्मीदवार भी 1 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इस तरीके से देखें तो ये जो आंकड़े हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। अब उत्तर प्रदेश में चलते हैं आपको लेकर के, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ है। उससे पहले आपको हरियाणा में ले चलते हैं। हरियाणा में 10 सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। 4 सीटें ऐसी हैं बीजेपी जिसमें आगे चल रही है। उसमें आपको बता दें कि गुड़गांव की जो सीट है वहां से तो बीजेपी से जो राव इंद्रजीत सिंह राजबब्बर के आगे खड़े हुए हैं वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता हरियाणा में स्थिति जो आगे चल रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार वो काफ़ी अंतर से आगे चल रहे हैं। करनाल की बात करें तो करनाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर 96,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है मनोहर लाल खट्टर अपनी सीट जीत रहे हैं। हालांकि हरियाणा में जिस तरीके से किसान आंदोलन का काफ़ी प्रभाव देखने को मिला उसके अनुसार ही हो सकता है कि 6 सीटें कांग्रेस जीत रही है वहाँ से। और हिसार में बात करें तो हिसार में भी जयप्रकाश आगे चल रहे हैं और कांग्रेस से, और वहीं पर बात करें रोहतक से तो रोहतक से हुड्डा आगे चल रहे हैं, और वहीं पर बात करें सिरसा से तो सिरसा से शैलजा भी आगे चल रही हैं, और वहां पर बात करें तो अंबाला से, अंबाला में वरुण चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। सोनीपत से बात करें तो सोनीपत से भी सतपाल ब्रह्मचारी अभी आगे चल रहे हैं। तो इस तरीके के जो आंकड़े हैं हरियाणा के वो आपने देख लिए हैं। अब हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें काफ़ी घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश ही डिसाइड करता है कि कौन सा जो है चुनाव में क्या कुछ उलटफेर होने वाला है, प्रधानमंत्री जो है कौन बनने वाला है। तो समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस भी 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आगे चल रही है, राष्ट्रीय लोकदल केवल 2 सीटों पर आगे चल रही है, आज़ाद समाज पार्टी 1 सीटों पर आगे चल रही है। तो इस तरीके से अगर आंकड़े की बात करें तो 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन अभी आगे चल रही है। 1 सीट अगर चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी की और जोड़ दें तो 43 सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। और ये खबर ऐसी है कि इस खबर से काफ़ी कुछ जो है नुकसान होने वाला है वो उनको जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री को, और कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार के लिए भी जो है काफ़ी नुकसानदेह है। हालांकि उत्तर प्रदेश में हम बात कर लेते हैं बनारस की सीट पर क्या अभी हाल चल रहा है, क्योंकि बनारस की सीट पर शुरुआती रुझानों में तो प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी जो है पीछे हो गए थे, लेकिन अभी 72,000 वोटों से अजय राय को पछाड़ते हुए नरेंद्र मोदी अपनी सीट पर आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो और सीटों पर क्या हाल चाल हैं, जैसे बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 32 सीटों पर आगे चल रही है, ये बीजेपी के लिए काफ़ी झटका वाली बात है कि 9 सीटों पर मात्र बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस की सीटें मिला दें तो 33 सीटों पर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये बीजेपी के लिए काफ़ी जो है सीखने वाली बात है कि किस तरीके से ये सीटें पर जो है बीजेपी हारते हुए दिख रही है। दूसरी जगहों पर भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या हिसाब किताब वहाँ पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 4 में से 4 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। मंडी से बात करें तो कंगना रनौत 50,000 वोटों से अभी आगे चल रही हैं, यानी कि 50,000 वोटों से अभी आगे दिखाई दे रही हैं कंगना रनौत, जो विक्रमादित्य सिंह जो खड़े हुए थे उनको हराती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये बीजेपी के लिए खुशखबरी है कि हिमाचल की जो 4 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के झोली में जाते हुए दिखाई दे रही है, वो भी बड़े मार्जिन से। अब हम बात कर लेते हैं जो और भी जो स्टेट्स हैं, जैसे कि गुजरात से बात कर लेते हैं। गुजरात में क्या इस बार कुछ फेरबदल थोड़ा बहुत होने की संभावना लग रही है या सेम ही है वैसे ही है जैसे थी। तो गुजरात में अगर देखें तो गुजरात से भारतीय जनता पार्टी जो है कि 24 सीटों से आगे हुए दिखाई दे रही है, और कांग्रेस
दो सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। तो गुजरात में भी कांग्रेस अगर दो सीटें पाती है तो ये काफ़ी जो है नुकसानदेह होगी बीजेपी के लिए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी खबर जो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी 300 के पार नहीं होने जा रही। एनडीए, भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी कि एनडीए का गठबंधन अभी 300 के आंकड़े पार नहीं कर रहा है। ये काफ़ी निराशाजनक है प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, जिन्होंने अब की काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह दी कि 400 पार आना है और कई नेता जो उनके संविधान बदलने की बात करते हुए नजर आए। और इससे कहीं ना कहीं मायावती को भी जिस रूप में उत्तर प्रदेश या तमाम जगहों पर देखा गया कि मायावती के चुनाव लड़ने ना लड़ने का कोई मतलब नहीं रह गया, इससे भी एससी वोटर्स जो हैं वो काफ़ी प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने कहीं ना कहीं मायावती को या तो वोट किया या नहीं किया, या फिर उन्होंने कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे जो जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए भी वोट किया। ये काफ़ी इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ। और जिस तरीके के मुद्दे उठाए गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनमें कहीं ना कहीं काम के मुद्दे नहीं बल्कि राम मंदिर और ये जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनवाया गया उसको अपना मुद्दा बताते हुए राम मंदिर के नाम पर जो चुनाव लड़ा गया और धार्मिक मुद्दों पे जो चुनाव लड़े गए, जैसे और तमाम चीज़ों की बात की गई, जैसे मुजरा की बात की गई इंडिया गठबंधन को लेकर के, मटन की, मछली की, मुस्लिम की, मंगलसूत्र की बात की गई, परिवारवाद की बात की गई, ये कहीं ना कहीं वोटरों को नज़र नहीं आया। और यही वजह है कि आज जो है राहुल गांधी की छवि जो निखर करके सामने आ रही है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, वो कहीं ना कहीं इतना विश्वास के साथ, जिस तरीके से सोनिया गांधी ने भी कहा है कि हम सरकार बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अभी सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी तो नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी जिस तरीके के आसार दिखाई दे रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि विपक्ष काफ़ी मजबूती के साथ इस बार खड़ा हो रहा है। और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के जो 400 पार का नारा हो, संविधान बदलने का नारा हो, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी। और आगे जो भी कुछ इसके साथ अपडेट होंगे वो भी हम देंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।